एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हो चुकी है नए दिन के साथ नए वीडियो की शुरुआत। तो एक नए दिन के साथ एक नया ब्लॉग भी आज स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज तारीख है 11। तो दोस्तों लगभग अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो फिलहाल अभी सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। तो फिलहाल कल मैंने वीडियो तो मेरा कल वाले वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रखा है, थोड़ी देर में आ जाएगा दोस्तों। जो दोस्तों तो जिसने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा जाके उसको भी देख लीजिएगा। और तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा बी पहाड़ी ब्लॉग्स को। दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। फिलहाल अभी सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। और दोस्तों बस हमारे पेपर को बस 15 दिन बाद हमारे पेपर है। आजकल चल रहा है असाइनमेंट, तो चलेंगे कुछ दिन बाद कॉलेज वगैरह। तो फ्रेंड इस वाली साइड से हल्की हल्की धुंध छाने लगी, देखिए कोहरा आ रहा है, ठंडा मौसम बना हुआ है बारिश का, देख सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपने बाहर का मौसम देखा, काफ़ी धुंध छा रखी है, चारों तरफ फॉग लगा है, बारिश का मौसम बना है। देखो थोड़ी देर बाद बारिश भी हो सकती है दिन में तक। और फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है, तो काफ़ी शानदार मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा सा। तो खतरनाक बारिश होने लगी है, लगभग मानसून आने लग गया पहाड़ों में। तो कहाँ कहाँ बारिश हो रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी खतरनाक बारिश हो रही है, सब्जी को हो रही, काफ़ी तबाही मची हुई है बारिश से। बारिश का मौसम बना था खतरनाक। तो फिलहाल अभी काफ़ी धूप आ चुकी है, ये देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर हरियाली देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही हरा लग रहा है। तो ये देख सकते कि धूप भी काफ़ी, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज है। ये रहा हमारा घर। तो फिर मैं आ चुका हूँ इस वाली साइड को, देख सकते हैं मेरे पीछे धूप काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही है इस वाली साइड को, देख सकते हैं क्या मौसम हो चुका है। सुबह तो बारिश का मौसम हो रहा था। ये देखिए दोस्तों आजकल पहाड़ों में कुछ इस कदर हरियाली आ चुकी है। ये देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे, हरी भरी सारियाँ, इस प्रकार कुछ हरे हो चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा गांव जो कि नैनीताल ज़िले में बसा एक छोटा सा गांव है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो हमें नैनीताल से। तो ये देखिए हमारा गांव बाजार, तो शानदार धूप है, सामने वाली साइड को धुंध छा रखी है खतरनाक। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बाहर का मौसम दिखाया, तो बाहर का मौसम काफ़ी आ रहा है, काफ़ी शानदार धूप आ रखी है खूब पहाड़ों में। और एक तो मेरे कमरे का कलर पिंक कलर का, ऐसा चेहरा कुछ ज़्यादा ही लाल लाल सा आ रहा है, कोई नहीं इसको एडिटिंग करके हम ठीक कर लेंगे। तो फिलहाल बाहर का मौसम काफ़ी आ रहा है, अभी शानदार धूप आ रखी, खूबसूरत पहाड़ बिल्कुल हरे भरे हो चुके हैं। सुबह तो बारिश का मौसम और था काफ़ी खतरनाक, तो फिलहाल अभी धूप आ चुकी है। तो दो दिन से मतलब बारिश नहीं हो रखी दोस्तों, दो तीन दिनों से, और दो तीन दिन पहले काफ़ी खतरनाक बारिश हुई थी। तो चलो अब तो फिलहाल बढ़िया हो चुका है मौसम। 2000 years later। तो फाइनल दोस्तों अभी लगभग शाम के 4 बज चुके हैं। तो फिलहाल मैं सोया था, दिन भर वगैरह हो गया था, तो फिलहाल अभी मैं सोया था, तो फिलहाल उठ चुका हूँ। तो अभी का मौसम है काफ़ी शानदार सा, घर पे कोई है नहीं, क्योंकि अभी भी मैं उठ रहा हूँ, अभी भी हाथ में धो के फ्रेश हो रहा हूँ। दोस्तों दिखाता हूँ आपको आगे का वीडियो। तो फ्रेंड बाहर का मौसम ऐसा कुछ है, बिल्कुल सुनसान सा, क्योंकि घर पर कोई है नहीं। तो ये देख सकते हैं अभी का मौसम काफ़ी शानदार सा है, बादल लगे हुए चारों तरफ, लेकिन बारिश वारिश का कोई नाम नहीं। तो फिलहाल अभी गर्मी हो रही है काफ़ी तेज। तो फ्रेंड फिलहाल मैं आ चुका हूँ किचन पर, थोड़ा चाय वगैरह बनाता हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, चाय वगैरह जरूर बनाते हैं, दिखाते हैं आपको भी, क्योंकि शाम हो चुकी है, शाम को रोज़ एक चाय ज़रूर बनती है। तो फ्रेंड अभी फिलहाल बनने लग गई हमारी चाय, ये देख सकते हैं मैंने रख दी केतली पे। तो ये रहा हमारा किचन, ये रहा फ्रिज। तो दोस्तों ये देखिए सामने के नज़ारे, और ये रही चाय, अभी चाय लेके इधर आ चुका हूँ मैं। ये देखिए खेत भी कितना हरा भरा सा लग रहा है इसमें, जिसमें मिर्ची के जो पेड़ है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा दोस्तों, कहीं कहीं आपको नज़र आ रहे होंगे चौड़े चौड़े पत्ते वाले, लेकिन वैसे सामने से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, देख सकते हैं। तो फ्रेंड मैं निकल चुका हूँ रोज़ की तरह घूमने के लिए, शाम के लगभग 6 बजे हैं अभी, 6 बजे का मौसम ऐसा है कुछ है, चारों तरफ धुंध छा रखी है, दिखाते हैं आपको एक वीडियो। तो फ्रेंड ये रहा अपना गांव गजार, जो कि नैनीताल ज़िले में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। और ये सामने वाला गाँव बारगल, जो हल्का बहुत दिख रहा है, और देख सकते इस वाली साइड काफ़ी धुंध छा रखी है, गड़जुड़े गाँव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और ये देखिए नैनीताल वाली साइड को भी काफ़ी फॉग लगा रखा है। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं आ चुका हूँ रोड पर, देख सकते हैं अभी फिलहाल रोज़ इस साइड को घूमना होता है अपना, क्योंकि अपने पास कोई बाइक है नहीं, क्योंकि इसलिए ज़्यादा दूर जा नहीं पा रहा हूँ, दिखाते हैं आपको सामने के नज़ारे। तो फ्रेंड आजकल पहाड़ तो हरे भरे हो चुके हैं, लेकिन जो सनसेट हो अभी इस साइड से हो रहा है देख सकते हैं, लेकिन सनसेट अब सुना सुना सा हो गया, क्योंकि बादल लग चुके हैं, तो काफ़ी कमाल का दिखता था वरना बिना बादलों के। तो फिलहाल बादलों की वजह से दिख नहीं पा रहा है कुछ अच्छे से, ये देख सकते हैं ये रही रोड, रोज़ इस साइड को घूमना होता है दोस्तों अपना। तो फिर आजकल मेरी काफ़ी सारी वीडियो में जो कि कॉपीराइट आ जा रहा है, पता नहीं सॉन्ग तो मैं सही लगा रहा नॉन कॉपीराइट वाली, बट किसी किसी सॉन्ग में पता नहीं चल रहा कॉपीराइट आ जा रहा है। तो फिर मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट करके कि मैं कौन सा नॉन कॉपीराइट सॉन्ग लगाओ अपने वीडियो पे, कोई ऐसा इंसिडेंस बताइएगा काफ़ी जो कि सुनने में कभी अच्छा लगे और वीडियो भी अच्छा लगे, और जिसे कॉपीराइट भी ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, अगर आपको पता है तो नॉन कॉपीराइट के बारे में कुछ, क्योंकि फ्रेंड मैंने इसकी कटिंग की थी अभी थोड़ी देर पहले, ये देख सकते हैं। तो अभी और करते हैं उसको ज़रा नीचे से बराबर,
फ्रेंड अभी लगभग रात हो चुकी थी, तो फ्रेंड अभी तो टाइम बहुत हो चुका है, मैं अभी देर में वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी आपने बाहर का मौसम देखा, काफी खतरनाक मौसम बन चुका है, बिल्कुल बिजली चमक रही है और काफी खतरनाक बारिश होने वाली है। और अभी लगभग टाइम 11 बजे रात के, तो अभी फिलहाल मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था तो खतरनाक बारिश होने लगी है बाहर से, क्योंकि काफी खतरनाक मौसम बना हुआ था। आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। और फिलहाल अभी चल रही है अपनी पढ़ाई, तो हिंदी की पढ़ाई कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी हिंदी काफ़ी हार्ड है। पहला पेपर हिंदी का है, ठीक आज से 15 दिन बाद हमारा पहला पेपर है, तो इसलिए दोस्तों पढ़ना भी जरूरी है। एंड फिलहाल अभी बाहर से ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल से रेडिएशन वगैरह निकलता है और बिजली का भी खतरनाक चमक रही बाहर, इसलिए फिलहाल अभी थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको आएगा वीडियो। अभी फिलहाल 11 बज चुके हैं, आराम से सोएंगे 12-1 बजे तक फर्स्ट क्लास करके, और देखिए बने रहेगा वीडियो मेरे साथ। तो फाइनली दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले बी पहाड़ी ब्लॉग्स को। तब तक देखते रहिए, एंजॉय करिए मेरी और वीडियोस को भी। मिलते हैं कल के वीडियो पे।